से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज का जो एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास, जैसे पिछला हमने क्वेश्चन बनाया था, एक टॉपिक पे अटेम्प्ट किया था कि शांतिपुर क्या जगह है और कैसे वहाँ जाया जा सकता है और क्या चीज़ के लिए फेमस है, तो एक वो लेडीज का क्वेश्चन था, तो उसका हमने जवाब दिया और उस पर वीडियो बनाया। तो वीडियो को देखते हुए उस वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ है जिसको आज हमने सोचा कि इस टॉपिक पे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ऐसा बहुत से लोगों के दिमाग में आता होगा, जैसे इनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये कैसे पॉसिबल है और ये क्या है, ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, इनका क्वेश्चन है शांतिपुर साड़ी इन 50 रुपीज। जी हाँ दोस्तों, शांतिपुर में साड़ी मिलता है 50 रुपये में, या 50 रुपये में शांतिपुर में साड़ी लीजिए, ऐसा टॉपिक इन्होंने बहुत सारा यूट्यूब पे और चीज़ों पर देखा हुआ है, और जिसकी वजह से इन्होंने हमारा तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था और वीडियो अलग टाइप का था कि शांतिपुर क्या है इसके ऊपर, तो उस चीज़ पे इन्होंने ये क्वेश्चन हमारे पास भेजा हुआ है कि सर आप थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। तो हम एक बिजनेस कंसल्टेंट हैं, तो हम जानते हैं कि इन चीज़ों के पीछे लॉजिक क्या होता है, या जो ये बनाया होगा उसके पीछे भी कोई हम लोग जैसा ही कोई कंसल्टेंट होगा जिसको ये सजेशन दिया होगा कि आप इस तरीके से या इस टॉपिक को इस तरीके से रखिए ताकि आपका वीडियो या आपका जो टच है लोगों के पास ज़्यादा पहुंचे। तो देखिए, ये जो भी जिसका टॉपिक है वाकई अच्छा टॉपिक उसने चूज किया है, क्योंकि ये चीज़ देख के लोग उसको पहुंच रहे हैं, यानी लोग उसको ढूंढ रहे हैं या उसके बारे में जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे पॉसिबल है। आज की डेट में आप जैसे जानते हैं कि एक चाय पीने अगर आप अच्छे जगह पे चले जाइए तो 200-250 रुपये लग जाता है, या 30-40 रुपये तो लग ही जाता है अगर मेट्रो के वहाँ पर अगर आप चाय पी लेते हो। तो जितने में एक चाय का कप आता है उतने में एक साड़ी कैसे मिल रहा है, और वही साड़ी जब मान लीजिए आपके शहर में शांतिपुर में 50 रुपये में मिल रहा है, तो वही साड़ी बैंगलोर में जाके 2000 में कैसे हो जा रहा है। इनका क्वेश्चन बहुत ही वैलिड था और ये जेन्युइन चीज़ है। तो मैडम देखिए, जहाँ तक बात ऐसे टॉपिकों का है या ऐसे सब्जेक्टों का है, ये ओरिजिनलिटी नहीं है। जो साड़ी आप बैंगलोर में 2000 रुपये में खरीदते हैं शांतिपुर के नाम पर, और जो 50 रुपये का ऐड है, वो दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ये 50 रुपीज का जो साड़ी होता है वो मैक्सिमम पूजा वाला साड़ी होता है। पूजा यानी जैसे यहाँ दुर्गा पूजा, दीपावली, काली पूजा, ऐसे बहुत सारे त्यौहार जो होते हैं और भगवान पे जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है, जो साड़ी दिया जाता है या मान लीजिए धोती दिया जाता है, ऐसी चीज़ें जो दान की जाती हैं, दान की चीज़ें होती हैं, वो ऐसे साड़ी वहाँ पर 50 रुपये में मिलते हैं। और ये आपको सिर्फ वहीं पर नहीं, आप इंडिया के किसी और कोने में भी चले जाओगे तो अगर वहाँ पर 50 रुपये है तो किसी और जगह पर 100 रुपये होगा या 80 रुपये होगा, यही डिफरेंस होगा। क्योंकि पूजा की साड़ी कोई पहनता नहीं है, वो सिर्फ दान में दिया जाता है और लोग उसको ब्राह्मण को दे देते हैं या किसी और को दे देते हैं, तो जानबूझ को बनता ही ऐसा है ताकि वो सस्ता में रहे और लोग उसको यूज कर पाए इस तरीके से पूजा के पर्पज से। तो ये जो आइटम है इस तरीके से इसको सजाया गया है या इस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत सस्ता मार्केट है, 50 रुपये में सामान मिल रहा है, हम ला के उसको 2000 में बेच देंगे, यानी हमारा 1950 रुपये का फायदा है। तो ऐसा गलतफहमी में मत रहिएगा, ऐसा काम नहीं होता है, ये सब एक बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है और एक मार्केटिंग का टूल है जिसके माध्यम से आप उस साड़ी विक्रेता तक या हैंडलूम जो बना रहा है उस तक आप पहुंच पाएंगे। देखिए, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में डिफरेंस है और दोनों का अलग अलग रेट है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो भी इतना कम रेट नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर एक साड़ी को बनाने में अगर आप एक दिन लगता है तो 300-350 रुपये तो मजदूरी ही हो जाता है कम से कम। अगर मशीन से भी करता है तब भी 200 रुपये मान लीजिए आएगा ही आएगा, तो उसके नीचे में देना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मैन्युफैक्चरर का बात है, तो होलसेलर का बात ही छोड़ दीजिए। तो जहाँ तक आपने टॉपिक देखा था, टॉपिक उनका कोई ये नहीं है, मगर ये पहनने वाली चीज़ें नहीं है, डेली टू यूज़ में चीज़ें नहीं है, ये पूजा के समय ही लोग खरीदते हैं और ज़्यादातर दान के लिए यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि शांतिपुर में 50 रुपये में साड़ी क्यों मिल रहा है। और अगर कोई व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं कि वहाँ के किसी लोगों से अटैच में आए या कहीं कोई ऐसा संपर्क या कोई बल्क बायर हो या कोई ऐसा हो जो इसका बिजनेस करना चाहता हो, तो हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ सकता है या हमारे व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट कर सकता है, हम ऐसे किसी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट मिला देंगे। इसके थ्रू आप ये चीज़ों को और भी डिटेल्स में जान पाइएगा कि 50 में मिल रहा है कि 20 में मिल रहा है या कैसे मिल रहा है, और लेके अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो उसके साथ टाई अप करके काम कर सकते हैं। हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम के मैक्सिमम लोगों को जानकारी दी जाए और ये जानकारी का फायदा आपको प्रैक्टिकल लाइफ में मिले, आप जॉब में हैं तो उसमें आगे बढ़ें, और अगर व्यापार में हैं तो ऐसे सही रिसोर्स का जहाँ पे चीज़ें बनती हैं वहाँ से अगर आप कांटेक्ट में हैं ताकि आपको चीज़ें सही मिले
और आप भी बिजनेस करके 2 रुपए 5 रुपए का प्रॉफिट आपको मिले और आप अपने यहाँ पे व्यापार अपना खड़ा कीजिए और कुछ लोगों का अगर व्यापार कीजिएगा तो आप कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जरूर दे पाइएगा। यही हमारा कोशिश है। और अगर ऐसा कोई भी भाई बंधु जो किसी बिजनेस में पिछड़ा हुआ है या चाहता है कि हाँ अपना बिजनेस को आगे बढ़ाएं, मार्केटिंग कैसे करें या सिस्टम में कैसे जाएं, या हमारे थ्रू कुछ प्रमोशन करना चाहें जो कैपेबल नहीं है, तो हम जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।